अगले 2 साल में बिहार में खेल गांव बनकर तैयार होगा। बिहटा या सोनपुर में जगह की तलाश शुरू हो गई है। जमीन मिलने के साथ ही खेल गांव बनाने का काम शुरू हो जाएगा। तो आज 67वें नेशनल स्कूल गेम के उद्घाटन के मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी क्रिकेटर के रंग में दिखे। ताबड़तोड़ बैटिंग के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में खेल के उज्ज्वल भविष्य की बात की। बिहार में बनेगा खेल गांव, बिहटा या सोनपुर बनेगा स्पोर्ट्स विलेज। ये बिहार में खेल में बदलाव की तस्वीरें हैं। अब बिहार में खेल का फ्यूचर बदलने वाला है। बिहार में बहुत जल्द खेल गांव बनने वाला है। इसके लिए बिहटा या सोनपुर में जगह की तलाश शुरू हो गई है। अगले 2 साल में इन दोनों जगहों में कहीं पर खेल गांव बनने वाला है। इस पर अभी चर्चा हो रही है सरकार के द्वारा। मुझे निर्देशित किया गया है कि खेल गांव के लिए जमीन देख के आइडेंटिफाई करके उसको अक्वायर करने का, तो हो सकता वो बिहटा में या सोनपुर में हम लोग खेल गांव बनाएंगे। उसमें स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स और नेशनल इंटरनेशनल लेवल का चैंपियनशिप कराने के लिए सारे सुविधा और हाई परफॉर्मेंस सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सलेंट सब उसमें बन जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को खेलने के लिए अभी जो बाहर जाना पड़ रहा है वो ना जाके यहीं पर सारा सुविधा हो जाए। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बैटिंग की ये तस्वीरें देखिए। मौका था 67वें नेशनल स्कूल गेम के उद्घाटन का। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जब 67वें नेशनल स्कूल गेम का उद्घाटन किया तो अपने अंदर के क्रिकेटर को रोक नहीं पाए, लगे ताबड़तोड़ बैटिंग करने। तेजस्वी यादव ने भी भरोसा जताया कि अब बिहार में खेल का फ्यूचर बदलने वाला है। बिहार को होस्ट करने का मौका मिला और ये काफी अच्छा मौका है कि बिहार जो है सारी चीजों को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए, और सब लोग लगे हुए हैं और लगातार जो है हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में खेल कूद जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। इससे पहले तेजस्वी यादव मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाने का ऐलान कर चुके हैं। इन्होंने रविंद्रन जी ने नेट जाम कराया था तो वहाँ हम लोगों ने भी अनाउंस किया था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि भाई मोइनुल हक स्टेडियम का निर्माण का कार्य जो है चल रहा है, और उसी दिन से जो है डीपीआर बनाने की तैयारी जो है चल रही है। अब बिहार में खेल गांव बनने वाला है। खेल गांव बनने से बिहार में खेल और खिलाड़ी की स्थिति सुधरना तय है। सनी जी मीडिया पटना।